में ये निकलता है कि हमारी सारी 6 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दे दी। अब सारे स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद फाइनल हियरिंग विल बी टेकन प्लेस। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट स्टेटस हमारे केस का क्या है। हमारे केस में नोटिस इश्यू हो चुका है, सारे स्टेट्स को सर्व हो चुका है। अभी तक तेलंगाना राज्य की तरफ से वकालतनामा फाइल हो चुका है और बाकी राज्यों से अपेक्षित है। 2020 में हम ये आशा कर रहे हैं कि हमारे केस की फाइनल हियरिंग हो जाएगी और हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को कोई ना कोई रिलीफ कोर्सेज जरूर दिलाएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगी हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों से, जो कि उनकी ज्वलंत समस्या है जिसकी वजह से आज आप और हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले आपको इस केस की थोड़ी डिटेल्स बताना चाहूंगी। जो मेरे आदिवासी नए हैं, युवा हैं, दे विल कम टू नो कि ये केस एग्जैक्टली है क्या। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हुआ था या जब हमारा संविधान बना था, उस संविधान के पहले लंबाड़ा और सुबली स्टूडेंट ट्राइब्स में नहीं आते थे। 1950 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल ट्राइब्स का ऑर्डर है उसमें खाली 9 जातियों को शामिल किया गया है। हमारी बंजारा, लंबाड़ा और सुगाली जो सुप्रीम शेड्यूल ट्राइब्स में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में आने की वजह से बंजारा, लंबाड़ा और सुगाली पड़ोसी राज्यों से पलायन कर तेलंगाना राज्य में आ रहे हैं। यही हमारा मेन रूट कॉज है, जहां पे की दूसरे राज्यों से शेड्यूल ट्राइब का फायदा उठाने के लिए हमारा तेलंगाना स्टेट में 4 राज्यों से सारे पलायन करके तकरीबन 11 लोग आ चुके हैं। हमारे स्कूलों और कॉलेज में प्रवेश के लिए, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए और सबसे अधिक जमीन को खरीदने के लिए तेलंगाना स्टेट में ओरिजिनल ट्राइब्स को छोड़कर उनके अधिकारों का हनन करके सारे स्टेट से बाकी लोग लंबाडीज और ये सब पलायन करके तेलंगाना में शिफ्ट हो रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सेंसस के अनुसार 1971 में सुगाली और लंबाड़ा की पॉपुलेशन तेलंगाना स्टेट में खाली 1,32,464 थी, वही 1981 में बढ़कर 11,58,342 हो गई है, यानी कि 87.4% की भीषण वृद्धि हुई है, ये भी खाली 10 इयर्स में। ये सब 1976 के अमेंडमेंट बिल की वजह से हुआ है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो स्थिति और 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माना था वह सब आदिवासी एक दिन माइनॉरिटी में हो जाएंगे। आज की डेट में 70% सरकारी नौकरी लंबाड़ा और सुगालीज ने हथिया ली है तेलंगाना स्टेट में। स्कूल और कॉलेज में एडमिशन्स में मैक्सिमम नंबर लंबाड़ा और सुगालीज का ही है। यह स्थिति और भयंकर हो जाएगी जब 2002 में अमेंडमेंट के बाद बंजारा कम्युनिटी को भी शामिल कर दिया गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बंजारा कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब्स में आती है 2002 के अमेंडमेंट के बाद, जबकि ये सिर्फ तेलंगाना स्टेट में एप्लीकेबल है। छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और राजस्थान में ये ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। कर्नाटका, दिल्ली और पंजाब में शेड्यूल कास्ट में आते हैं, जबकि हमारे तेलंगाना राज्य में ये लोग शेड्यूल ट्राइब्स का एडवांटेज उठा रहे हैं। अब हम बात करेंगे किस तरह हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के अधिकारों का हनन हुआ है।